अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े की ब्रेकफास्ट रेसिपी ऑमलेट की रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलिए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। आज मैं आपसे ऑमलेट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो इसके जो इन्ग्रीडियंट्स मैंने प्रिपेयर कर लिए हैं, तो चलें एक दफ़ा देख लेते हैं। यहाँ पर लिए 4 एग्स, यहाँ पर स्पाइसिस में नमक, रेड चिली का पाउडर, चिली फ्लेक्स, गर्म मसाला और टर्मरिक पाउडर। यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स मैंने ली है। इधर मैंने ली है 2 टेबलस्पून जो बारीक कटा हुआ आलू, और 2 टेबलस्पून जैसे स्प्रिंग अनियन, 2 टेबलस्पून जो टमाटर, और 2 बारीक किए हुए चॉप्ड ग्रीन चिलीज और चॉप्ड हरा धनिया। पहले अब हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक मिक्सिंग बाउल लिया है, इसमें मैं एग्स क्रैक कर लेती हूँ। मैं 4 एग्स यूज़ करने वाली हूँ। ये बहुत ही सिंपल और प्लेन रेसिपी है और तकरीबन हर घर में ब्रेकफास्ट में बनती है। और ये तो बच्चों की फेवरेट, इसमें तो ज़्यादा वेजिटेबल्स नहीं है। ये सारे एग्स क्रैक कर लिए, अब इसको मैं मिक्स कर लूँगी मैं मिक्सर के साथ। इसमें जो सारे वेजिटेबल्स हैं वो ऐड कर देंगे। और ये जो ऑमलेट का मिक्सचर रेडी कर लेंगे, इसमें सारे स्पाइसेस भी ऐड कर लेते हैं और इसको नाइसली मिक्स कर लेते हैं। अभी यहाँ मैंने पैन जो है वो चूल्हे पर रख लिया हुआ, तो इसमें ऑयल डाल देती हूँ तकरीबन 3 टेबलस्पून और इसको गर्म कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ऑमलेट मिक्सर जो हमारा रेडी है। तो अभी हम पैन के गर्म होने पर इसको डालते हैं। अभी जो हमारा ऑयल है गर्म हो चुका है, तो इसमें हम जो ऑमलेट का मिक्सर रेडी किया है वो डाल देते हैं। देखिए मैंने ज़रा ऑमलेट का जो मिक्सचर है इसको स्प्रेड आउट कर दिया है पैन में। तो अभी हम इसको मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे 3 से 4 मिनट तक। यहाँ पे देखिए 3 से 4 मिनट लग चुके हैं हमारे ऑमलेट को पकते हुए। तो अभी हम इसको फ्लिप ओवर करेंगे टिक्की वो भी टिक्की गैस पे, क्योंकि इसको हमने टिक्कियों के स्टार में काटना। हम 3 से 4 मिनट तक इसको कुक करेंगे बिल्कुल लो से मीडियम फ्लेम पर, ताकि हमारे वेजिटेबल माजी को कोई 3 से 4 मिनट तक इसको लो से मीडियम फ्लेम पर मैंने इसको बिल्कुल ही रख, ताकि उसके नाच के जो वेजिटेबल है वो कुक हो जाए। तो अब ये रेडी है। यहाँ पे मैंने ऑमलेट को सर्व कर लिया हुआ है। बहुत ही मज़े का, बहुत ही सिंपल रेसिपी है। आप चाहे इसको पराठे के साथ सर्व करें, चाहे आप इसको सैंडविच टोस्ट के साथ सर्व करें, बहुत ही मज़े का। प्लीज़ मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा, इसको ट्राई कीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे मैंने ऑमलेट टिक्की को सर्व कर लिया हुआ। बहुत ही मज़े की ब्रेकफास्ट की रेसिपी है। आप चाहे इसको पराठे के साथ सर्व करें, चाहे आप टोस्ट के साथ सर्व करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ट्राई जरूर कीजिएगा और मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर टू फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोस। मैं आपको मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।